फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर गोभी की सब्ज़ी। इसके लिए हमें चाहिए आलू, ये कटा हुआ हरा धनिया, मटर, गोभी, लाल मिर्च पिसी हुई 2 चम्मच, अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट 1 कटोरी। ये मसाले हैं हमारे पास, लाल मिर्च 1 चम्मच, किचन किंग 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, सूखा धनिया 2 चम्मच, जीरा थोड़ा सा, जीरा 1 चम्मच। ये हमारे पास कटी हुई प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू गोभी मटर की सब्जी बनाना। हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हमारा ये तेल, हमने करीब 2 चमचे के करीब तेल डाला है और ये हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, 1 चम्मच जीरा, 1 प्याज, लहसुन और हरी मिर्च कटी हुई, 1 कटी हुई हरी मिर्च। हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट। पहले हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे जब तक कि हमारी ब्राउन हो जाती है, उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा लहसुन प्याज और हरी मिर्च हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट 1/2 कटोरी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा मसाला भुन चुका है, हम इसमें डालेंगे किसी भी लाल मिर्च 2 चम्मच, हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, किचन किंग 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक 1.5 चम्मच, हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला भून चुका है। देखिए, मैं पूरी खा लेती हूँ। अभी हमारा मसाला भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे मटर, गोभी, इसे भी हम अच्छे से मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू और उन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ।
और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे ताकि हमारा मसाला फूके नहीं और ये हमारी सब्जी जो है मसाले के साथ अच्छे से बन जाए। फिर हमने इसमें करीब एक गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है। इसको 15-20 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारी सब्जी अच्छे से मसाले के साथ भुन जाए और गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारी सब्जी 20 मिनट के बाद बनके देख लेते हैं हम कैसी बनी है या नहीं बनी है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी सब्जी जो है 20-25 मिनट बाद पूरी तरह से बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए अब हमने सब्जी को सर्व कर लिया है। देखिए हमारी सब्जी तलने के बाद कितनी अच्छी लग रही है, कितनी बढ़िया लग रही है। अगर आपको हमारे चैनल की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।